छोड़ देती ना तो रो बता। हाँ घर में बहुत चिल्ला और ना तुम डांट देंगी ना। ओरियो को यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, यहाँ बांध दिया सिर्फ, अकेला घर में ये बहुत रोता। तो यहाँ मोगली है ना तो इनके साथ बना रहेगा, अभी हम 2-3 घंटे में आ जाएंगे ठीक है, बस इसको थोड़ा डांट देना, रोना नहीं वो ओरियो ठीक है। हेलो राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। आज हम निकल पड़े हैं घूमने, तो थोड़ी देर में बता देते हैं कहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर सी जगह पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ओरियो को तो हमने अच्छे से रख दिया है, और अब मेरे साथ जा रहे हैं ईशु। अरे ये सोमू और ईशु, ईशु आ गए, अभी मिलाती हूँ जी। तो चलिए मिलते हैं पहुँचने के बाद। ये पीछे दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ ये वाटर पार्क, ये अभी तक हमने देखा नहीं था। वाटर पार्क ये सब लोग मुझे करेक्ट करते रहते हैं, तो गाने बज रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही बनानी पड़ेगी। भीड़ तो काफी लग रही है। ब्लू वेव, हाँ ब्लू वेव वाटर पार्क ये हाथों से नहीं, और पास में ही मंगल आयतन है, तो उसको भी मैं शाम को एक्सप्लोर करूंगी ठीक है, दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा क्या सीन है क्या। तो ये अंदर तो आ चुके हैं लेकिन आवाज भी पता नहीं है। अब ये कॉस्ट्यूम खरीद रहे हैं और 500 रुपए की टिकट। हम ना कपड़े रख के लेकर के आए थे, इधर ये थैला भर के लेकर के आए थे कपड़े, फिर हम अपने ही कपड़े पहनेंगे, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं है अपने कपड़े। अगर तुम्हारे लाइलॉन के कपड़े तो चल जाएंगे, यहाँ पे अब लेने पड़ रहे हैं कपड़े, तो कपड़े ले लेते हैं और उनको पहन के तब मिलते हैं ठीक है। यहाँ पे आके हमको यहाँ के कपड़े पहनने पड़े, और जो यहाँ घर से हम कपड़े पहन के आए थे वो अब रखने पड़ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ के कपड़े पहन लिए हैं, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन पहनने पड़े। वो कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, तो बस पहले ये रहता है कि पता नहीं कौन कौन इन कपड़ों को पहनता है, और ये धुलते भी हैं या नहीं धुलते, थोड़ा सा लगता ही है, पर मजबूरी में हम मुँह बना बना के सब ने पहन तो लिए और फिर उतर पड़े इन्जॉय करने के लिए। अब आपको मैं वॉइस ओवर करने से बोर नहीं करूँगी, वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है, यहाँ पे बज रहे थे बहुत बहुत लाउडली गाने, तो मैं उन गानों को नहीं डाल सकती, तो इसलिए अब मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और आप लोग इन्जॉय कीजिए वाटर पार्क का ठीक है जी। और मुझे देखो, मैं अपने सारे दर्द वर्द सब भूल गई हूँ, अभी इंजॉय करने में लगी हूँ, फिर देखी जाएगी दवा खा लूँगी अगर थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा तो, पर फुल इंजॉय, मतलब हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, ऐसे मैं जीती हूँ। और यहाँ ये ज़्यादा बड़े जगह में नहीं है, छोटी जगह में, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बनाया और बहुत ज़्यादा उसमें वो दिए गए हैं, क्या बोलते हैं,
स्लाइड वो बच्चों के होते हैं ना झूले, स्लाइड करने के मैंने भी किया, मुझे बहुत डर लगा। सोमू को बड़ी हिम्मत से मैंने करवाया अपने साथ, तब फिर हमने एक दो बार और किए, बड़ा एंजॉय किया। और ईशु तो ये समझ लो उसने तो एक आधी छोड़ दिया होगा, सब सारी स्लाइड चेक करी है, बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची मैंने मना किया, लेकिन वो बोल रहा था मैं आया हूँ तो मुझे इंजॉय करने दो। मैंने कहा कर भैया कर, अभी देखो ना मैं स्लाइड पर ही जाने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आया, मैंने पहली बार ही कर रही हूँ ये, मैं तो बहुत डर लगा, पकड़ पकड़ के आई हूँ। फिर दूसरी बार मैं और सोमू गई थी तो फिर आए थे हाथ छोड़ के, डर तो लगता है क्योंकि पानी में गिरते हैं, आके ना सीधा पानी में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि डूब गए। चलो जी अब फिर से मैं म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग फिर से एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आओ तो टाइम लेकर आना चाहिए, जैसे जल्दी सुबह आ जाओ, ऐसे 10-11 बजे खुल जाता है ये, सुबह सुबह ही खुल जाता है तो आना चाहिए। लेकिन हम लोग ना 3 बजे तो घर से निकले, 2:30-3 बजे, तो फिर 2 ही घंटे मिले, 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो थोड़ा जल्दी 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 में ऐसा ही होता है, टाइम लेके आओ, अपना एंजॉय करो, पूरा दिन यहाँ पर बिताओ, एक एक झूला देखो, झूलो, तब अच्छा लगता है। ठीक है जी, और जी ये था लास्ट में वेव पूल। ये पहले नहीं चल रहा था, वैसा ही पानी था, मैंने देखा था यहाँ क्या है, कुछ नहीं, पानी भरा था। लेकिन जब लास्ट में अनाउंस हुआ कि चलो सब इधर आ जाओ, तो इतनी तेज़ तेज़ लहरें थी कि सहन करना मुश्किल था। फिर इसके बाद हम लोग निकल आए, कपड़े चेंज कर दिए और लॉकर में से अपने कपड़े लिए, बैग लिए, सब कुछ उसी में रख दिया था, चप्पल भी उसमें से लेके अपने कपड़े पहन लिए। और नहाना घर पे हुआ, क्योंकि थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, तो हम जब घर पे आ गए थे तो सभी लोग घर पे नहाए थे।
और आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखना। ये मैं बाहर से पूरा व्यू दिखा रही हूँ।